हांगकांग की सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम और उन पर डंडे बरसाती पुलिस की ये तस्वीरें बताती हैं कि हांगकांग में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल डंडे खाते इन लोगों को उम्मीद थी कि लंबे समय से चली आ रही संविधान में परिवर्तन की उनकी मांग इस सत्र में पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर से ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हांगकांग में लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। लोग सड़कों पर पुलिस के डंडे खा रहे हैं। एक दशक से भी अधिक समय में हांगकांग के सबसे बड़े विरोध की ये तस्वीरें दुनिया भर में हर किसी को डरा रही हैं। ये विरोध जो कि वहां संविधान के कुछ बदलावों को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब वक्त के साथ लगातार गर्माता जा रहा है और इससे पुलिस का रवैया और भी ज्यादा बिगाड़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों का हुजूम सड़कों पर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हांगकांग पुलिस का उपद्रव भी बढ़ता जा रहा है। दो दिन पहले तक जो प्रदर्शन शांति और दिसंबर की ठंड जितना ठंडा था, किसी ने नहीं सोचा था कि यही शांत प्रदर्शन सोमवार आते आते सूरज जितना गर्म हो जाएगा। विधान परिषद के बाहर लोग आए तो थे काफी उम्मीदों के साथ, लेकिन तीन दिन तक उन्हें किसी तरह के बदलाव की कोई खबर नहीं मिली। हांगकांग की सड़कों पर वो हुआ जिसका अंदाजा न लोगों ने लगाया था, न ही सरकार ने और न ही हांगकांग की पुलिस ने।